हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है स्वर्ण कुमार। आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज आप लोग के लिए रिलायंस जियो की तरफ से तीन काफ़ी बड़ी खबरें आ रही, जहां पर रिलायंस जियो की तरफ से बिल्कुल जो है फ्री में अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। तो कौन सी तीन बड़ी खबरें यहां पर रिलायंस जियो की तरफ से आ रही है, दोस्तों सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज आप लोगों के लिए रिलायंस जियो की तरफ से तीन काफी बड़ी जो है न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी रिलायंस जियो का सिम यूज करते हैं, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, या किसी और कंपनी का सिम यूज करते हैं तो वो भी आप लोग जरूर से बताइएगा। तो चलिए यहां पर बात करते हैं रिलायंस जियो की पहली बड़ी खबर के बारे में। आप लोगों को पता है अभी रिलायंस जियो को जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। सबसे पहले जो जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट हुआ था दोस्तों, वो फेसबुक के द्वारा 22 अप्रैल को हुआ था। उन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद में उन्हें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए, लेकिन अभी जो उन्हें लेटेस्ट जो 12वां इन्वेस्टमेंट मिला है दोस्तों, वो इंटेल कंपनी की तरफ से मिला है। जी हाँ दोस्तों, अब इंटेल ने भी जो है जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, वो 1894.50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पर बताया गया कि जो स्टेक यहाँ पर बाय किए हैं वो करीबन 0.39% जो स्टेक्स है वो यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म पर अब इंटेल के द्वारा बाय किए गए हैं। तो रिलायंस जियो को काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन 12 इन्वेस्टमेंट को मिलाकर जो जियो प्लेटफॉर्म पर टोटल इन्वेस्टमेंट बन गया है दोस्तों, वो 1,17,588.45 करोड़ रुपये का बन गया है। यहाँ पर स्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर करीबन जो है 25.09% जो स्टेक्स है फिलहाल रिलायंस जियो के, वो यहां पर टोटल बाय कर लिए गए हैं। यानी कि जियो प्लेटफॉर्म में जो काफी बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना इंटरेस्ट यहां पर शो कर रही है और जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आप लोगों को पता है अभी बहुत सारी जो चाइनीज ऐप्स है, करीबन 59 चाइनीज ऐप्स को जो है इंडिया के अंदर बैन किया गया है। तो अभी यहां पर देखिए जो जियो ब्राउजर है उसको जो है माई जियो ऐप में प्रमोट किया जा रहा है, और इसे जो है ट्रूली मेड इन इंडिया जो ब्राउजर है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी जो है कोई इंडियन ब्राउजर जो है यहां पर ट्राई करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो माई जियो ऐप में अब इसका बैनर आप लोगों को दिख जाएगा, या प्ले स्टोर से भी जो है यहाँ पर जियो ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा कि आपने जियो ब्राउजर यूज किया हुआ है, और अगर आपने जियो ब्राउजर यूज किया हुआ है तो आपको जियो ब्राउजर का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जो अगली न्यूज आती है वो यहाँ पर जियो फाइबर यूजर्स के लिए आ रही है, और ये काफी अच्छी न्यूज है। बताया जा रहा है कि लास्ट मंथ जो है कुछ जो है जगह पर जो जियो फाइबर की सर्विसेज थी वो एक दिन के लिए जो है डाउन रही थी। तो इसी को देखते हुए अब सभी जियो फाइबर यूजर्स को 2 दिनों के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड जो कॉलिंग है वो यहाँ पर फ्री दी जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ न्यूज निकल कर आ रही थी आज रिलायंस जियो की तरफ से आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।